नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे अलर्टेड गॉड के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा इजी होगा, तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस में जितने प्रश्न लिए गए हैं, मुख्यतः अगर इतने प्रश्न आप कर लेते हैं तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए ये वीडियो पर्याप्त होने वाला है। यानी और ज़्यादा क्वेश्चंस की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इसमें दिए गए हैं, इसलिए इस पुस्तक से कराया जा रहा है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि वाई वाज लेंचो सैड, वाट वाज हिज ओनली होप। तो इसको अभी छोड़ते हैं, ठीक है। दूसरे वाले पे चलते हैं। Why did Lencho write a letter to God? लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा? Who received this letter? और यहाँ लेटर यानी यहाँ पत्र किसको मिला? And what did he do? और उसने क्या किया? या फिर इसको किसी और तरह से पूछ सकता है कि What made Lencho write to God? यानी किस वजह से लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा? What was its result? इसका क्या परिणाम हुआ? या फिर इसको एक तरह से और पूछ सकता है कि Who was Lencho? लेंचो कौन था? What circumstance forced him to seek help from God? ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिसकी वजह से लेंचो को भगवान से सहायता मांगनी पड़ी? तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से हमने इसको आंसर को पहले से ही लिख लिया है। कि उसको आप लिखेंगे कि लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। अब मैं हिंदी नहीं बताऊँगा, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कुछ कि भाई कठिन परिश्रम करने वाला एक किसान था। विथ अ लार्ज फैमिली, उसकी मतलब फैमिली बड़ी थी। वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रेन वाज फॉलोड बाय वेरी हैवी हेल स्टोन्स। देयरफॉर द कॉर्न स्टैंडिंग इन लेंचोस फील्ड वाज टोटली TOTALY डिस्ट्रॉयड। यानी लेंचो के खेतों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। नथिंग वॉज लेफ्ट फॉर द पुअर लेंचो। लेंचो यहाँ पे कैपिटल में रहेगा यल। तो गरीब लेंचो के लिए कुछ भी नहीं बचा एंड हिज फैमिली और उसके परिवार के लिए। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग हिम फॉर 100 पीसोस इन ऑर्डर ORDER टू सो हीज फील्ड अगेन एंड लिव अनटिल द न्यू क्रॉप केम CAME। थोड़ा फास्ट लिखा है इसलिए थोड़ा हैंड राइटिंग। तो आगे चलते हैं कि द लेटर वॉज received by a postman. The postmaster also read it and was moved. यानी postmaster ने उसे पढ़ा और वो उससे प्रभावित हुआ। MOVED फुल स्टॉप। He contributed 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 himself and collected 70 pesos from the staff STAFF and put the money in an envelope addressed to Lencho। अगर पूरा मिला के मैं आपको हिंदी समझाऊँ तो मैंने सिर्फ इतनी चीज़ें लिखी हैं। लेंचो एक किसान था, हार्ड वर्किंग फार्मर था और उसकी फसल हेल स्टोम्स की वजह से नष्ट हो गई थी और इसीलिए अब उसने भगवान से सहायता के लिए भगवान को पत्र लिखा था और यह पत्र एक पोस्टमैन को मिला था। पोस्टमास्टर ने भी इस पत्र को पढ़ा था और वह उससे प्रभावित हुआ था और उसने स्वयं अपने स्टाफ के द्वारा 70 पीसोस इकट्ठा किए और लेंचो को एक इन्वेलॉप के माध्यम से दे दिए, ठीक है। पूरा पूरा मिला के अगर पूरा पढ़ेंगे तो आप, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, सिर्फ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो कर लीजिएगा आगे। बार बार हिंदी एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है आप कर लेंगे, तो जो चीज़ पता है उसको क्यों बताऊँ। देखिए तीसरा कि हु रिसीव्ड द लेटर एंड हाउ डिड ही हेल्प लेंचो। यानी वही सेम चीज़ है कि लेटर किसको मिला एंड हाउ डिड ही हेल्प लेंचो और उसने लेंचो की मदद कैसे की। तो एकदम सेम यही वाला लिख दीजिएगा, दूसरा वाला जो आंसर अभी अभी मैंने कराया वही लिख दीजिएगा, एकदम ठीक है, सही है, परफेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन कि हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने लेंचो की मदद कैसे की। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर नाइस एंड जेनरस, यानी अच्छे और साधारण लोग थे। दे लाफ्ड LAUGHED व्हेन दे सॉ लेंचोस लेटर, यानी जब उन्होंने लेंचो के पत्र को देखा तो उन्हें हंसी आई। एड्रेस टू गॉड, यानी भगवान के नाम भी कोई पत्र लिखता है भाई। बट सून दे बिकेम सीरियस बिकॉज दे वर इम्प्रेस्ड बाई लेंचोस फेथ इन गॉड, क्योंकि वो लेंचो का जो फेथ था भगवान के प्रति उससे इम्प्रेस्ड हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। दे डिसाइडेड टू सेंड हिम सम मनी SOME। यम को तो पोलियो मार गया है, थोड़ा उसको पोलियो नहीं पिलाया था। मनी दे कलेक्टेड 70 पीसोस एंड पुट द मनी इन एन एनवेलॉप एड्रेस टू लेंचो।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि लंचों के नाम पत्र लिखकर उसमें डाल दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाता है कि हाउ डिड लंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, यानी उन लोगों ने कैसे मदद की। पहली बात तो इसने यहाँ पे पॉज कर दिया है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा आप फोकस करेंगे, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा बढ़ा के लिखेंगे, फुल वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद फिर आगे बढ़ा के लिखेंगे कि हाउ डिड लंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, ठीक है। या फिर इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि लंचो ने फिर क्या किया, तो इस बात को देखिए कि व्हेन लंचो ओपन द एनवेलप, जब लंचो ने पत्र खोला, ही फाउंड इट ओनली 70 पीसोस, वेयर एज ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पीसोस, क्योंकि उसने भगवान से 100 पीसोस मांगे थे लेकिन उसे केवल 70 पीसोस ही मिले। तो उसने क्या किया था कि ही थॉट, उसने सोचा द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन अवे 30 पीसोस, उसे लगा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने 30 पीसोस निकाल लिए हैं फ्रॉम द एनवेलप, इस लिफाफे से। सो ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए उसने उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहा, अर्थात बेईमान कहा। ठीक है, इतनी बात आसान है, सिंपल है। तो आगे चलता हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन की, हाउ डू यू लाइक द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एक बात याद रखिएगा, कैरेक्टर स्केच एक ऐसा रामबाण है जिसके सहायता से आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी जितने कैरेक्टर स्केच आपको मैं कराऊंगा, आपको वो सारे याद कर लेने हैं, अभी के अभी याद कर डालिए, ताकि बाद के टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो, आप एक बार देखें आपको याद हो जाए। तो भाई, कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर और कैरेक्टर स्केच ऑफ लंचो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लंचो का तो बहुत बार पूछा गया है, आप एग्ज़ाम के उठा के देख लीजिए, पेपर अगर आपके पास हो तो हो सकता है आपको उसमें मिल जाए। तो देखिए, पहला कर लेते हैं कि हाउ डू यू लाइक द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर के बारे में बताना है, यानी उसका कैरेक्टर स्केच बताना है। तो देखिए, द बेस्ट पार्ट ऑफ द पोस्ट मास्टर्स कैरेक्टर, अपोस्ट्रॉफी यस है ये, कैरेक्टर कम्स बिफोर अस व्हेन ही ओपन्स द एनवेलप, जब वो लिफाफा खोलता है तो उसके कैरेक्टर का बेस्ट पार्ट हमें प्रदर्शित होता है, यानी हमें दिखाई देता है। ही डिसाइड्स टू सेंड सम मनी टू द लेटर राइटर, यानी पत्र के लेखक के पास वहाँ कुछ पैसे भेजने का निश्चय करता है, सो दैट हिज फेथ इन गॉड इज मेंटेन्ड, ताकि उसका भगवान के प्रति जो विश्वास है वो बना रहे, ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वह अपने एम्प्लॉयज से कुछ पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपनी तनख्वाह का भी एक हिस्सा देता है। एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स ज्वाइन हिम इन द एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे मित्र इस एक्ट ऑफ चैरिटी यानी इस दान में हिस्सा लेते हैं, अपने मित्रों से भी तो मांगा था ना। ही पुट्स द मनी इन एन एनवेलॉप एड्रेस्ड टू लंचो, यानी लंचो का पत्र लंचो का पता लिखकर वो एक लिफाफे में पैसे रखता है। एंड विथ इट, और इसके साथ अ लेटर, एक लेटर भी रखता है, कंटेनिंग यानी उसमें एक लेटर भी रखता है, ओनली अ सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक सिंगल वर्ड होता है, एज सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में गॉड, यानी जिसमें केवल एक सिंगल वर्ड गॉड का सिग्नेचर होता है। दिस शोज, यहाँ से यानी प्रदर्शित होता है, दैट द पोस्ट मास्टर लव्स टू परफॉर्म गुड डीड्स, यानी पूरा मिला के कि पोस्ट मास्टर एक अच्छा व्यक्ति है, एंड फाइंड्स कंटेंटमेंट फ्रॉम इट, थस He is an amiable and a large-hearted fellow. यानी इस प्रकार हमें पता चलता है कि वो एक अच्छा व्यक्ति है, large-hearted यानी उसका हृदय विशाल है, ठीक है, पूरा पूरा मिला के। अब अच्छी तरह से एक्सप्लेन थोड़ी करना है इसको, तो समझ में आई ये बात, याद कर लेना है, लिख लेना है इसको। मेरा पूरा का पूरा फोकस क्वेश्चन आंसर्स पर रहता है कराते वक्त, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन है कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लंचो, भैया ये ना वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के याद जरूर कर लेना, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है लंचो कैरेक्टर, तो लंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, यानी अ लेटर टू गॉड स्टोरी का लंचो मेन कैरेक्टर है, यानी कह सकते हैं नायक है। सबसे पहली बात उसके बारे में कि ए पुअर मैन, वो एक गरीब व्यक्ति है। लंचो वाज अ पुअर फार्मर, वह एक गरीब किसान है। बट वन ईयर हीज क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन्स, लेकिन एक वर्ष हेल स्टोन के द्वारा उसकी पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। नो बडी हेल्प्ड हिम, और उसकी कोई भी सहायता नहीं करता। ही वाज हेल्पलेस एंड सैड, वहाँ हेल्पलेस असहाय और दुखी होता है, ठीक है। पहली बात, छोटे छोटे सेंटेंसेस में तोड़ के लिखा करिए, इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमेशा आपके जो ग्रामर है वो गलत नहीं होगी,
छोटे छोटे सेंटेंसेस होंगे तो आप आसानी से ग्रामर को करेक्ट कर लेंगे। अब एकदम बड़ा लिखेंगे तो ग्रामर में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, सिंपल एंड इनोसेंट, साधारण है, सिंपल है एंड इनोसेंट और भोला है, साधारण है और भोला है। लेंचो वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, लेंचो बहुत साधारण सा व्यक्ति है। ही ब्रॉट अ लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 pesos, वह भगवान को एक पत्र लिखता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वहाँ उसे 100 pesos भेज दें। ही डिड नॉट नो दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, वो ये नहीं जानता कि ये असंभव है। ही वॉज नॉट सरप्राइज वेन ही विजिटेड द पोस्ट ऑफिस एंड रिसीव्ड एन एनवेलॉप, वहाँ तब थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ जब वो पोस्ट ऑफिस गया और वहाँ पर उसे एक एनवेलॉप मिला एड्रेस टू हिम, जिस पर उसका पता लिखा था विथ मनी इन इट, और उसमें पैसे थे। ही बिलीव्ड, उसने विश्वास कर लिया दैट इट वॉज फ्रॉम गॉड, कि यह भगवान ने भेजा है। फर्म फेथ इन गॉड, यानी भगवान के प्रति उसका सच्चा विश्वास है। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में बहुत अधिक विश्वास है। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता है दैट गॉड वुड हेल्प हिम, कि भगवान उसकी मदद करेंगे इन मिजरी, इस दुख में। ही वुड नॉट लेट हिम डाई, वो उसे मरने नहीं देंगे, DIE इन हंगर, वो उसे भूख से मरने नहीं देंगे। तो इतनी बात समझ में आई आपके, तो आगे चलते हैं। अब हमने एक प्रश्न छोड़ा था कि वाई वॉज लेंचो सैड, वाट वॉज हीज ओनली होप, ना कि लेंचो दुखी क्यों था, वाट वॉज हीज ओनली होप, और उसकी अंतिम आशा क्या थी, आखिरी उम्मीद क्या थी। तो ये ना, ये आपके लिए है होमवर्क, अब ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कराया है और मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में ही आएगा, यानी ऐसे प्रश्न शॉर्ट आंसर में ही आएंगे। अगर मैं देखूंगा, जब आपका मैं तैयारी करवाने लगूंगा तब मैं देखूंगा, तो हो सकेगा तो मैं इसे एक बार करवा दूंगा, लेकिन अभी मैं इसलिए इसे छोड़ रहा हूं ताकि आप इसे अपने हिसाब से करें। करना है, गलत ही करना है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में तो लिख नहीं रहे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका माइंड कितना ज़्यादा इस सिलेबस के बारे में, यानी इस टॉपिक के बारे में सोच सकता है और आप कितना ज़्यादा लिख सकते हैं। गलत ही लिखिए चलेगा, लेकिन लिखिए, कम से कम 20-25 वर्ड कुछ तो लिखेंगे, तो कुछ भी लिखिए तो करिए। और फिर तैयारी करवाते वक्त मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने छोड़ते चल रहा हूँ सारे करवा दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।